नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नीतीश गुप्ता इस समय भारत जोड़ो यात्रा में है और फिलहाल आप जिन युवा को देख रहे हैं ये फिलहाल इन्होंने पीपी किट पहना हुआ है। तो ये बताइए, सरकार की बात मानने लगे क्या आप? नहीं, सरकार की बात नहीं मानने लगा हूँ मैं बाबा की नगरी में, योगी बाबा की नगरी में ढूंढने आए हूँ। कहीं कोरोना मिल जाए तो जरा उस पे भी थोड़ा सा। तो पीपी किट पहन के आप कोरोना ढूंढ रहे हैं जी? मास्क तो लगाया नहीं है। मास्क भी है मेरे पास, ये फेस मास्क लगा के चल रहे हैं और हाथ में ये भोपू क्या है? ये कहना में संदेश देने के लिए, जो नफरत की, जो तोड़ने की राजनीति चल रही है और देश को बेचने की राजनीति चल रही है, वो राहुल गांधी जी 2024 तक इनको नष्ट कर देंगे। कौन बेच रहा? ये कहना में नानी अंबानी को, कहना में ये योगी जी और मोदी जी। अच्छा, देश को ये बताइए, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं चाइना में, सरकार कह रही है कि मास्क पहनिए। कुछ दिन पहले बोला गया भारत जोड़ो यात्रा में जो है कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो आप पालन फिलहाल हमको तो करते हुए नजर दिखाई दे? नहीं, देखिए मैं तो कहना में एक उसका रूप लेके चल रहा हूँ, एक संदेश दे रहा हूँ लोगों को। कोरोना राजनीति कोरोना है, वैसे कोई कोरोना नहीं है। और आप ये पहन के कोविड को ढूंढ भी रहे? कोरोना की ढूंढ रहा हूँ मैं। और क्या कहना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा से? राहुल गांधी का लहर अब देख रहे हैं आप लोगों में? कहना में देखिए, आपने देखा भी होगा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जारी है यात्रा, उसमें देखा भी होगा आपने लाखों की संख्या में बुजुर्ग, नौजवान, बच्चा, बुजुर्ग, महिला और सारे, और किसान जो पीड़ित हुए हुए हैं आपने देखा होगा, किसान पीड़ित हुए हैं और हमारे सेना के लोग पीड़ित हुए हैं। अब क्या नाम बताया आपने? अनिल कुमार ठाकुर दिल्ली से। अनिल कुमार ठाकुर। तो ये थे अनिल कुमार दिल्ली से, जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं और बाकायदे पीपी किट पहन के। और इनका कहना था कि ये फिलहाल ये किट पहन के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सरकार जिस तरीके से ये दावा कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, तो ये फिलहाल पालन करते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पीपी किट पहन के कोरोना को ढूंढ रहे हैं, जब मिल जाएगा तो आप वापस कनेक्ट करिएगा मोदी जी को। खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।